फिर से एक निर्भया जैसी कहानी आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। जी हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि निर्भया के साथ हुआ था वो 6 लोग थे, वो बस चलती हुई थी और ये बस रुकी हुई है और इसमें 5 लोग हैं। जी हाँ, और ये कहानी दिल्ली से शुरू तो दिल्ली से ही होती है, लेकिन इसका मेन जो मैटर है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होता है। जी हाँ दोस्तों, देहरादून में करीब रात के 10 से 11 बजे एक बस आकर डिपो में रुकती है और उस बस में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की बचती है। सारे पैसेंजर उतर जाते हैं, एक लड़की बचती है और उस लड़की के साथ 5 लोग मिलकर दुष्कर्म करते हैं। जी हाँ, और दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को वहीं पे उतार देते हैं। उतारने के बाद वो लड़की वहाँ 12 नंबर प्लेटफार्म पे भटकती रहती है, इधर उधर टहलती रहती है। उसके इर्द गिर्द एक व्यक्ति भी घूमता रहता है, वो पड़ जाता है, एक गार्ड की नज़र उस लड़की पे पड़ जाता है और वो गार्ड को वो लड़की कुछ अजीब दिख रही थी, क्योंकि वो लड़की कभी अपने कपड़े संवार रही थी, कभी अपने शरीर को संवार रही थी, कभी अपने बालों को संवार रही थी, कुछ अनकंफर्टेबल वो महसूस कर रही थी। उस गार्ड को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है या फिर ये मेंटली कुछ प्रॉब्लम है इस लड़की के साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे जितना बन सके मैं इसका मदद कर सकूं। तो वो गार्ड एक्चुअली वहां से साइड होकर और वो क्या करता है कि चाइल्ड हेल्थ केयर पे एक नंबर होता है 1098, वहां पे वो कॉल करता है और कॉल करने के बाद वहां से वो बात करता है और कहता है यहाँ पे एक लड़की है, उस लड़की की हरकतें कुछ अजीब मुझे लग रहा है, उसके कपड़े भी कुछ अजीब लग रहे हैं, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं, अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। ये गार्ड की बातें सुनकर जो पुलिस वाले थे, जो चाइल्ड हेल्थ केयर के जो जितने भी लोग थे, वो वहाँ से कुछ लोग आए और यहाँ पे जब लड़की की हरकतें देखे तो लड़की को अपने कस्टडी में लिए, अपने अंडर में लिए और लड़की से बहुत प्यार से बहुत प्रेम से उसके साथ व्यवहार किए, उसको खाना खिलाए और बहुत सारी बातें पूछे, लेकिन वो लड़की किसी भी तरीके का कोई भी बातों का जवाब देना नहीं समझ रही थी, उचित नहीं समझ रही थी या वो दे नहीं पा रही थी। ऐसी उसके साथ जो हुआ था उससे वो मेंटली प्रॉब्लम में थी और खास करके मर्दों से तो उसको सख्त सख्त नफरत हो रही थी और वो डर रही थी। इसलिए उसके साथ महिला लोग थे, वो महिला लोग उससे बात किए, उसको खाना खिलाए, बोले कि चलो तुम्हें अपना घर लेकर चलते हैं और तुम्हें घर पहुँचा देते हैं। 3 दिन के बाद उस लड़की ने सिर्फ ये जवाब दी कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। जब पुलिस वाले ये चीज़ को सुने कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है इन्होंने बोली, तब वो वापस फिर 12-13 अगस्त की रात जो कहानी हुई थी वहीं पे आते हैं उस बस डिपो में, और बस डिपो के पास वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उस कैमरे को देखते हैं, कैमरे को खंगालते हैं। उस कैमरे में एक ऐसा नज़ारा दिखता है जहां पे उस लड़की के इर्द गिर्द एक व्यक्ति भटकता हुआ नजर आता है। जैसे उस व्यक्ति के ऊपर फोकस किया जाता है, उस व्यक्ति का फोटो निकाला जाता है और फोटो निकाल कर उससे वहां के जितने भी लोग थे आसपास के उन सबको दिखाया जाता है कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो। कुछ लोग जानते थे उसे, जो बताए हाँ मैं इसे वो जानता हूं। जब ये बताया कि मैं इसको जानता हूँ, फिर उसकी पूरी डिटेल निकली, पूरी एड्रेस निकला और पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ जारी कर दी। पुलिस बोली कि क्या सारी कहानी तुम उस रात की अपने से बताओगे या फिर हम अपने तरीके से पूछें, क्योंकि बताना तो तुम्हें तब भी है और ऐसे भी बताना है, तो बढ़िया से बता ही दो, उसमें भलाई है। उस आदमी ने जो कहानी बताई सुनकर वाकई में आपको भी लगेगा इंसानियत हैवानियत में बदल चुका है। तो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर सिंह ऑफिशियल। चलिए कहानी को करते हैं शुरू और इस कहानी से क्या सीख आपको मिलता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे हैवानों के लिए किस तरीके की सजा होनी चाहिए वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ दोस्तों कहानी शुरू होती है दिल्ली के काश्मीरी गेट से, उस बस अड्डे से जहां से कि तमाम रास्तों के लिए, तमाम जगहों के लिए बसें खुलती है। वहां पे एक लड़की खड़ी होती है, वो लड़की पूछ ये रही होती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, कौन सी बस जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे इतनी सारी बसें हैं, एक्चुअली मैं बैठूं तो किस बस में बैठूं, क्योंकि भाई बहुत सारे रास्ते के बस हैं, सबको नहीं पता होता है कि कौन सी बसें कहाँ जाती है, तो वही चीज को वो पूछ रही थी। वहां पर एक व्यक्ति आता है और उसे कहता है कि तुम इस बस में बैठ जाओ और यही बस है जो तुम्हें पटियाला छोड़ देगी। बोले कि बिना कुछ सोचे समझे वो बस में बैठ जाती है, सारे लोग बैठ जाते हैं, उससे बिना पैसे वैसे का डिमांड किए हुए कुछ भी नहीं डिमांड करना, तुम चुपचाप बैठ जाओ और जब तुम्हारा जगह पहुंच जाएगा तो मैं बता दूंगा,
तुम उतर जाना। ये क्या कर लड़की को बस में बैठा देता है, बस वहां से चल देती है, दिल्ली से बस चल देती है देहरादून के लिए, क्योंकि वो बस पटियाला जाने वाली नहीं थी, वो देहरादून आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, छल लड़की के साथ वहीं पे हो जाता है। और जब देहरादून 4 से 5 घंटे का सफर करने के बाद वो बस जब देहरादून पहुंचती है, तो देहरादून पहुंचने के बाद देहरादून जो बस डिपो होता है, जो बस स्टैंड होता है देहरादून में, वहां पे जब ये गाड़ी पहुंचती है, तो वहां से सारे लोग करीब 10:30 बजे का टाइम रहा होगा, उस टाइम वो पहुंचती है गाड़ी 12-13 अगस्त 2024 की। और बस जब बस वहां पे पहुंचती है तो उस बस से सारे लोग उतर जाते हैं। सारे लोग जब उतर जाते हैं, बस बिल्कुल खाली हो जाती है, उस बस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही लड़की रह जाती है और एक कंडक्टर और एक ड्राइवर होता है। जब बस में देखा कि सारे लोग खाली हो गए, लड़की अकेली बैठी थी, कंडक्टर उनके पास जाता है, उस लड़की के पास जाता है, ड्राइवर उसके पास जाता है, बोलता है कि एक बस आओ, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, फिर तुम पटियाला पहुंच जाओगे। और उसके नज़दीक जाने लगता है, उसके शरीर को टच करने लगता है, उसके साथ कुछ ऐसी बातें करने लग जाता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हैं ये दोनों लोग। वो लड़की थोड़ा विरोध भी करना चाहती है, लेकिन उसे यह समझा दिया जाता है कि अगर तुम्हें पटियाला जाना है तो थोड़ा सा इन सब कामों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ ये ड्राइवर और कंडक्टर दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ दरिंदगी की हदें पार कर लेते हैं और उसको बार बार यही चीज़ को समझाया जाता है। उसी बस के बगल में एक बस और लगी हुई थी, क्योंकि वहां पे तमाम जगहों की बस खुलती है, वहां से देहरादून से कोई दिल्ली जा रहा हो तो देहरादून से कोई कहीं जा रहा हो, तो एक बस वहां पे लगी हुई थी जो देहरादून से ऋषिकेश चलती है। उस ऋषिकेश देहरादून बाई ऋषिकेश चलने वाली बस में दो लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर और कंडक्टर उसमें भी बैठकर बातें कर रहे होंगे या जो भी बैठे होंगे। उनकी नज़र इस बस पे पड़ी जिसपे ये लड़की थी, इसमें कुछ अलग सी अजीब सी हरकतें हो रही थी। वो दोनों उतरकर इस लड़की वाली जो बस होती है इसमें आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ड्राइवर और खलासी मिलकर, दो लोग मिलकर उस लड़की के साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं। वो इस दोनों को देखकर वो भी कहता है कि मुझे भी, कहता है कोई बात नहीं तुम भी कर लो। अब ये लोग जो 3-4 लोग मिलकर उस लड़की के साथ कम से कम 2 घंटे तक गंदे हरकतें करते रहे, गंदे काम करते रहे, उसके बाद इसी बस का जो कंडक्टर था वो बोला कि टाइम थोड़ा काफ़ी हो गया, 2 घंटे के बाद टाइम थोड़ा सा काफ़ी हो गया है और मैं कैशियर को कैश जमा करके आता हूँ, क्योंकि पूरे दिन की जो कमाई होती है वो वहाँ पे कैशियर को जमा करना होता है और जमा करके मैं आता हूँ। वहाँ पे जाता है, जब कैशियर के सामने खड़ा होता है तो कैशियर पूछता है कि तुम्हारी तो 10:30 बजे यहाँ पे बसें आ चुकी थी, फिर तुम इतनी देर कहाँ थे और क्या कर रहे थे, तुम तो पैसे कैश को तो बहुत जल्दी होती है जमा करने के लिए, आज क्यों इतना देर कर दिया। तमाम तरह के सवाल पूछे और ये तमाम तरह की बातें बताते रहे, लेकिन जब उसके सवाल के सामने ये कंडक्टर नहीं टिक पाया, तब जाकर बोला कि मेरे बस में एक लड़की है और तुम भी मिलना चाहते हो तो उससे मिल सकते हो। वो कैशियर जो कैश लेता, पैसे गिनता, वो किसी और को वहीं पर बैठे हुए व्यक्ति को वहां पर हवाले करता है, कहता है इसको देखो मैं आ रहा हूं तुरंत। जैसे ही वो कैशियर वहां से बस में आता है, जिस बस में लड़की होती है, दो लोग उसके साथ जो दुष्कर्म और कर रहे थे, वो जैसे ही कैशियर को देखता है वो कहता है कि पहले सीनियर आ गए, पहले कैशियर साहब आ गए, पहले उनको करने दो, बाद में हम कर लें। फिर कैशियर भी मिलकर उन लोगों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर लेता है। वो लड़की के साथ 5 लोग मिलकर दुष्कर्म करते हैं, गंदे काम करते हैं और ऐसे काम को अंजाम देते हैं। 4-5 लोग 2 घंटे तक उस लड़की के साथ इस तरीके का हरकत करने के बाद उस लड़की को बस से बाहर उतार देते हैं। और बाहर उतारने के बाद वो जब वो 12 नंबर प्लेटफार्म पे वो भटक रही थी, तो वही गार्ड फिर उसको कॉल करके ऐसे ऐसे पूछताछ करते हैं। तो पुलिस वाले जब वो इतनी कहानी होने के बाद जब पुलिस वाले कहते हैं कि भैया वो 5 लोगों को भी बताओ वो कौन कौन है, तो वो 5 लोगों को भी अरेस्ट किया जाता है। वो 5 लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं, जी हाँ। और 5 लोग अरेस्ट होने के बाद वो सभी लोग से पूछताछ करते हैं कि एक्चुअली ये लड़की है कहाँ की। सभी लोग यही कहते हैं कि इसका कहना है कि मैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली, मुझे पटियाला जाना है। लेकिन पुलिस वाले सभी से बहुत बारीकी से पूछताछ करते हैं, बहुत बारीकी से उस चीज़ को मतलब जांच करते हैं कि एक्चुअली ये लड़की पटियाला की है कहीं और की है। तो इसमें मैटर जो सामने निकल कर आता है, तो ये लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है।
और ये कहीं कोई पंजाब पटियाला की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, वहाँ पे जांच पड़ताल करती है और वहाँ पे उसके घर तक पुलिस पहुँच जाती है इस लड़की को लेकर। जब वहाँ से उसके माँ बाप को मिलती है पुलिस, माँ बाप से पूछती है कि आपकी लड़की कहाँ है, तो पुलिस उसके माँ बाप भी कहते हैं कि मेरी लड़की करीब करीब 8 से 10 दिन से घर से लापता है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इससे पहले भी कई एक बार वो इस घर से बाहर जा चुकी है और वो तो आ जाती थी, लेकिन इस बार है जो कि काफ़ी लंबे समय तक वो वापस नहीं आई है। एक्चुअली बात ये था कि वो लड़की जो थी वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी और उसका दवाई भी चल रहा था, उसका मतलब इलाज भी चल रहा था, तो वो माँ बाप भी उससे परेशान ही हो गए थे और वो लड़की भी अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाह रही थी। वो कह रही थी कि मेरे माँ बाप नहीं है, मर गए हैं, जबकि उसके माँ बाप भी हैं और उसके माँ बाप जिंदा भी हैं, सब कुछ हैं। तो वो लड़की का अब जो है अभी इलाज चल रहा है। वो चारों पांचों जो भी आरोपी थे उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसको कड़ी से कड़ा सजा मिलेगी और लड़की का जो वहाँ पे रखना चाहिए, जो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम जिनके साथ होता है उनको रखा जाता है, वहाँ पे रखा जा रहा है। उनके साथ मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल जांच हुआ, इसके साथ जितने भी इलाज हुआ वो इलाज किया गया और उन चार आरोपियों, जो पांच आरोपी हैं उन आरोपियों में जो नाम है वो है एक धर्मेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है जो 32 साल का है, जो हरिद्वार का ही है, और एक देवेंद्र कुमार का लड़का है, देवेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 52 साल है, एक राजेश कुमार है और एक राजपाल है, एक रवि कुमार है। ये चारों पांचों आरोपियों के खिलाफ 15 अगस्त 2024 को एसएसपी राजेश कुमार जी ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पांचों के साथ हम तो चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा हो और ऐसे घिनौने हरकत करने वाले चाहे ये पांचों हो चाहे कोई भी हो, और जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और आप लोगों को एक बात और बता देते हैं कि अगर आपका बच्चा हो या आपके फैमिली में कोई भी हो जिसका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जो मेंटली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग उसको सपोर्ट करें, ना कि उसे छोड़ दें, ठीक है। आप उसको सपोर्ट करें, उसको दिखाएं या उसको उस जगह पर सुरक्षित पहुंचा दें जहां पे ऐसे लोगों को रखा जाता है, जहां की मेंटली जिसे कहते हैं, जिसको आम भाषा में कहता है पागलखाने में उसको रखा जाता है और वहां पे उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका इलाज होता है और वो फिर से धीरे धीरे सही होने की संभावना रहती है। अगर नहीं भी होता है तो वो वहाँ पर एक कम से कम इन सब दरिंदों से तो सुरक्षित जरूर रहती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि रात हो दिन हो, अगर जो लोग भी ऐसे मेंटली प्रॉब्लम है जिसके घर में भी है, तो प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट करिए, ना कि उनको घर से ऐसे ही छोड़ दीजिए। और बाकी जो लोग हैं जो रात बिहार को इस तरीके से रात में घूमते हैं या अकेले घूमते हैं या अकेले बहुत सी लड़कियां ऐसी जाते हैं, तो उन लोगों से भी कहेंगे कि थोड़ा सा सचेत रहें, थोड़ा सा सचेत कर चलें, थोड़ी समझदारी से काम लें और मतलब उस चीज़ में ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहें जहाँ पे भीड़ की संभावना हो। अगर रात में आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जहाँ भीड़ वाले इलाके हो वहाँ पे आप ज़्यादा रहें, सुनसान इलाकों में ना रहें, अकेले ना रहें। अगर बस से, अगर ये अच्छी मतलब थोड़ी सी मेंटली थोड़ी ठीक होती तो ये बस में अकेली नहीं बैठ रहती और जैसे सब लोग उतर रहे थे वैसे साथ में उतर जाती, नहीं तो बस में किसी तरीके की हरकत जरूर ये करती कि भाई सब लोग ये कौन सी जगह आ गई है। लेकिन एक्चुअली इसका तो मेंटली थोड़ा सा दिक्कत था, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ। तो उन दरिंदों को इतनी शर्म नहीं आई, हैवानियत की सारी हदें पार कर दिए। तो हम चाहते हैं और तमाम जनता चाहते होंगे कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को क्या इसमें अच्छाई लगा, क्या कुछ समझने को सीखने को मिला हो, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।